क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आपको तभी देख पाऊंगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो प्लीज सब कराए। अब होगा, अभी होगा। जिसका काम उसी को भाई। मेरा काम है रिएक्शन करना, मैं ये कर लेता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निमेश परमार और ये है मेरा चैनल निम्मी सोफी और मम्मी। आसपास से सराउंड साउंड में आवाज नहीं आ रही है ना मेरे को, दो लोगों की, तो अजीब लग रहा है। सो आज मैं अकेला ही इस चैनल पे रिएक्शन करने वाला हूँ। जैसा कि हमारे रजनीकांत सर है वन मैन शो, वैसे इस चैनल पे आज मैं वन मैन शो करने वाला हूँ। सो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट अ नोटिफिकेशन। सो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं रजनीकांत सर की आने वाली मूवी अनाथे के फर्स्ट सिंगल का। इस सॉन्ग का नाम है अनाथे, इस सिंगल का भी नाम है अनाथे अनाथे, और ये सॉन्ग को गाया है SP बाला सुब्रमण्यम सर ने। दिस मेक्स इट अ वेरी स्पेशल सॉन्ग, हो सकता है शायद ये उनका लास्ट सॉन्ग होगा। और रजनीकांत सर का कोई भी फिल्म का जब पहला सिंगल आता है तो बड़ा हैप्पी वाइब्स वाला गाना रहता है, एकदम नाचने लायक वाला गाना। तो लेट्स सी के मेरे भी पैर थिरकते हैं कि नहीं, ये बसंती नाचती है कि नहीं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अनाथे अनाथे का ऑफिशियल लिरिकल वीडियो का रिएक्शन। Thank you.
सबसे पहली चीज बोलूंगा, जैसे रजनीकांत सर का जो एक्चुअल फुटेज, जो मूविंग फुटेज जब दिखाया तब रोंगटे खड़े हो गए लिटरली देखकर। रजनीकांत सर की एक चीज बहुत कमाल की कि सर जब हंसते हैं, कोई भी फुट साइड उनका फोटो देख लो या वीडियो देख लो, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। इतना सही लगता है उनको देखकर, मतलब मेरी तो हंसी नहीं रुक रही, मेरी स्माइल नहीं रुक रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और जैसा कि मैंने बोला था कि हैप्पी वाइब वाला एक सॉन्ग रहेगा और ये ऐसा ही है, कुछ तो सेलिब्रेट हो रहा है विलेज में, आई थिंक फेस्टिवल या कुछ ऐसा सेटअप है, बहुत सुपर्ब लग रहा था। उसी गाने से रिलेटेड सारे स्टिल्स दिखाए थे और उसको एनिमेट किया था, और जो बीच में दो सीन दिखाए थे जहाँ पे रजनीकांत सर डांस कर रहे थे वो बहुत कमाल था। वो देखकर मतलब पूरे गाने की पूरी जान ना वो सीन में थी। सबसे ज्यादा मुझे चीज जो अच्छी लगी वो थी कि एसपी बाला सुब्रमण्यम सर की आवाज सुनने के लिए मिली इंस्टेंटली आपको ना। जैसे मैंने 90s वगैरह से बहुत सर के गाने सुने, भले ही वो डब्ड गाने उनने गाए हो या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गाने गाए हो, तो वो साउंड वापस से रिकॉल होता है उनका। और जैसा कि मैंने कहा था, गाना जो एकदम हैप्पी मूड वाला था, एकदम डांस करने लायक गाना, उस पर बाला सुब्रमण्यम सर की आवाज, इतना जबरदस्त सॉन्ग है ना। आई होप कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी बाला सुब्रमण्यम सर के फैन होंगे, ये गाना सुन के उन्हें बहुत खुशी हुई होगी। और मुझे भी सेम फीलिंग हो रही है, क्योंकि सच में वो गाना जैसे स्टार्ट हुआ ना, जैसे सर की वॉइस सुनाई थी ना, इतना अच्छा लगा। और फिर रजनीकांत सर तो एकदम सोने पे सुहागा है ये तो। एक और चीज मुझे पूछना था आप लोगों से, प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि अनाथे का मतलब क्या होता है। मतलब सॉन्ग का नाम ही अनाथे अनाथे, पर उसका मीनिंग नहीं पता एक्चुअली, मूवी का नाम भी अनाथे है। सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि अनाथे का मीनिंग क्या होता है। और काफी कलरफुल सॉन्ग था, जब एक्चुअल सॉन्ग आएगा, जब वीडियो सॉन्ग आएगा पूरा, वो देखने में भी काफी मजा आएगा। ओवरऑल बहुत जबरदस्त सॉन्ग था। इसका हमने मोशन पोस्टर का भी रिएक्शन किया था, उसमें सर बाइक पे बैठ के वो जो रहता है वो बड़ा वाला चाकू जो भी उसको बोलते हैं वो लेके थे। अगर वो आप रिएक्शन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। और गाने के लिरिक्स मुझे कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि एक्चुअली इसमें तो जो लिरिक्स थे वो भी तमिल में थे, तो कुछ भी समझ में नहीं आया। सिर्फ एक रेस और वॉकिंग समझ में आया पूरे इसमें, और अनाथे अनाथे समझ में आया, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आया। तो गाना भी किस बारे में वो भी प्लीज कमेंट डाउन बिलो। ये तो अब लिरिक्स तो समझ में नहीं आए, पर हाँ गाना जिस टाइप से है, जो वाइब्स है, जो जॉनर है, उसे समझ में आता है कि बड़ा हैप्पी हैप्पी सा सॉन्ग है, डांस वाला सॉन्ग है। वैसे ही स्टिल भी आ रहे थे, इस एज में भी रजनीकांत सर इतने एनर्जी के साथ डांस करते हैं ना, वो बहुत काबिले तारीफ है यार। रजनीकांत सर की मूवीज बहुत इंटरटेनिंग होती है, एंड आई एम श्योर कि ये भी बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग मूवी होगी। लेट्स वेट फॉर ट्रेलर या टीजर इसका जब आएगा, तो हम उसका भी रिएक्शन जरूर करेंगे। एंड आई होप उस टाइम में मम्मी और सोफी मेरे साथ होंगे, तो इंजॉय करने में क्या ज़्यादा मजा आएगा। जैसे गाने वगैरह का रिएक्शन करते हैं ना, तो ऐसे दो तीन लोग हो साथ में, मजा आए डांस करते करते, एकदम इंजॉय करते करते। एंड आई एम श्योर कि ये गाना मम्मी को और सोफी को बहुत अच्छा लगता था। लेट्स सी, जब इसका एक्चुअल वीडियो सॉन्ग आएगा पूरा, वो वाला सॉन्ग आएगा, तब हम जरूर इसका रिएक्शन करेंगे। एक बार और ट्राई करूंगा मैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ऑलमोस्ट रिएक्शन में इतना ही, आई होप आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट डाउन बिलो जो भी मैंने कमेंट करने के लिए बोला है वो सारी चीजें कमेंट करके बता देना, एंड ये भी बता देना कि आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड वॉच इट विद योर फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जिसका नाम है निम्मी सोफी और मम्मी। सो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अनाथे अनाथे।